मैं हाँ रचना सेवक, तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब कैनेडा वीकली बुलेटिन दे विच। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। नज़र पाउंदे हाँ हफ्ते भर दीआं खबरां ते। टैंपरेरी रेजिडेंट्स की गिणती घटाउण दा विचार कर रहा है कैनेडा। फैसले नाल पंजाब दे लोक हुण कैनेडा दे विजिटर वीजे नूं भी तरसणगे। भारतीयां दा कैनेडा च पक्के होण दा घटिआ क्रेज़। कैनेडा दी नागरिकता दर विच 30% दी गिरावट। स्पाउस ओपन वर्क परमिटां लई वड्डा फेरबदल। वर्क परमिट जां विजिटर वीजा लई अर्जी दे सकदे ने लोक। अते कौमांतरी विद्यार्थियों नूं लैके हैरानीजनक खुलासा। विद्यार्थियों वल्लों भारत विच खतरा होण दी आखी गई गल। ते हुण खबरां विस्थार नाल। कैनेडा दे इतिहास विच पहली बार अजिहा होया है जदों टैंपरेरी रेजिडेंट्स की गिणती घटाउण दा कदम चुकिया गया है। कैनेडा पहली बार अपने अस्थाई निवासियों की गिणती घटाउण अते अस्थाई इमीग्रेशन ते सीमा निर्धारित करन दी योजना बना रहा है। इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने वीरवार नूं कहा कि सरकार रिहायश की घाट नूं पूरा करन अते जरूरी सेवावां दा विस्थार करन लई काम कर रही है। ट्रूडो सरकार दे इस फैसले नाल पंजाब दे लोक हुण कैनेडा दे विजिटर वीजे नूं भी तरसणगे। कैनेडा सरकार विजिटर वीजियां विच वड्डी कटौती करन जा रही है। हाल ही के सालों में आरजी वीजिया से कैनेडा आने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों विदेशी कामियां अते होर अस्थाई निवासियों की गिणती तेजी नाल वधी है क्योंकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार आर्थिक विकास नूं हुलारा देण अते लेबर पाड़े नूं घट करन लई इमीग्रेशन ते ही निर्भर है। मिलर ने कहा कि सरकार अगले 3 सालों में कुल आबादी के 6.5% तो अस्थाई निवासियों 2024 घटा के 5% करना चाहती है। यह 2023 कैनेडा के 2.5 मिलियन अस्थाई निवासियों तो लगभग 20% की कटौती होगी। आते 3 साल दौरान होने वाली कटौती कौमांतरी विद्यार्थियों विदेशी कामियां अते पनाह मंगन वालियां ते भी लागू होगी। मिलर योजना नूं अंतिम रूप देने लई मई विच अपने सूबाई अते खेतरी हमरुतबा नाल इक मीटिंग बुलाउणगे। मिलर ने ओटवा विच पत्रकारां नूं कहा, सानूं इह यकीनी बनाउण दी जरूरत है कि देश विच दाखल होण वाले अस्थाई निवासियों की गिणती एक टिकाऊ पद्धर ते होवे। इमीग्रेशन मंत्री ने मन्निया कि किरतियां दी जरूरत पूरी करन लई आरजी विदेशी कामियां नूं सद्दणा पैंदा है, पर हुण सिस्टम नूं वधेरे कारगर बनाउण दे यतन कीते जा रहे ने। नवी नीति तहत कैनेडा के वड्डे किसानां अते कारोबारी अदारियां नूं आरजी विदेशी कामियां की गिणती 1 मई तक घटाउण लई आख्या गया, पर इस दे नाल ही आरजी विदेशी कामियां नूं सद्दण की प्रक्रिया सुखाली भी की जा रही है कि उन्हां कम्मां लई विदेशां तों किरती सद्दे जा सकन जिन्हां लई कैनेडा विच कामे नहीं मिलदे। 31 अगस्त तक कैनेडा आउण वालियां नूं नवें नियमां दे घेरे विचों बाहर रख्या जाएगा। इत्थे दसना बनता है कि RBC की एक रिपोर्ट मुताबक कैनेडा विच 10 लाख लोग अजिहे रह रहे ने जो अपना विजिटर वीज़ा खत्म होने तो बाद भी वापस नहीं गए। इन्हां विचों हज़ारां पंजाबी होण तो इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों विच कैनेडा का नागरिक बनन का क्रेज़ हुण घटदा नज़र आ रहा है। पिछले करीब 2 दहाकों दौरान कैनेडा की नागरिकता दर विच 30% की गिरावट आई है। 1996 75% तो वध प्रवासियों ने नागरिकता लई अर्जी दित्ती सी। साल 2021 यह अंकड़ा घट के 45.7% ते आ गया सी। 2016 तो बाद स्थिति होर बदलनी शुरू हो गई। उदों तो हुण तक एक बहुत वड्डी तब्दीली आई है जिस विच भारतीयां दी वी कैनेडियन नागरिकता विच दिलचस्पी खत्म हो गई है अते प्रवासी हुण कैनेडियन नागरिकता लई पहलां वांग काली नहीं करदे क्योंकि नागरिकता प्रीख्या सख्त हो गई। भाषा दे हुनर दी मंग वध गई। इस तों इलावा अर्जी दी फीस भी ज़्यादा है। इस विच कोविड ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैनेडियन नागरिकता की मंग नूं घटाउण विच लगभग 40% भूमिका कोविड की रही है। इस तों इलावा भारत वर्गे देशों तो वड्डी गिणती च नौजवान कैनेडा जांदे ने पर फिर नागरिकता लई कोशिश करनी है जां नहीं ये उत्थों दे हालात नूं देख के ही तय हुंदा है। एक समय भारतीयों विच कैनेडा जाण अते सैटल होण दा बहुत वड्डा क्रेज़ सी, पर हुण भारतीयों ने कैनेडा तो मूँह मोड़ लिया है। भारत ही नहीं हर पासे अजिहा देखने मिल रहा है जिस कारण कैनेडा की नागरिकता की मंग भी घट गई है। एक ताज़ा सर्वेखण दसदा है कि 20 साल पहला का कैनेडा अज के कैनेडा नालों बहुत ही वखरा है। इसलिए प्रवासी हुण पहला वांग कैनेडियन नागरिकता लई काली नहीं करनगे। 2016 अते 2021 दे विचकार प्रवासी इन्ने निराश हो गए कि उन्होंने कैनेडियन नागरिकता लई अर्जी ही नहीं दित्ती। कैनेडियन नागरिकता की लालसा भी वख-वख प्रवासियों विच वख-वखरी हुंदी है। उदाहरण लई जिन्हां दी सालाना आमदन 50,000 अते 1,00,000 कैनेडियन डॉलर दे विचकार है उन्हां दी कैनेडियन नागरिकता प्राप्त करन दी संभावना 14% वध है, जदों कि 10,000 डॉलर तो घट आमदन वाले लोग कैनेडियन नागरिकता लई अर्जी देण तो बचदे ने।
इस तो इलावा यूनिवर्सिटी की डिग्री वाले 51.8% के मुकाबले हाई स्कूल की डिग्री वाले 30.5% कैनेडियन नागरिकता लई अर्जी देंदे ने। प्रवासी जिस देश तो आए ने उसके आधार पर डाटा भी वखरा हो सकता है। पूर्वी एशियाई देशों के प्रवासियों में कैनेडियन नागरिकता की मांग में 58% की गिरावट आई है, जदों की दक्षण पूर्वी एशियाई देशों की मांग में 40.7% की गिरावट आई है। पछमी एशियाई देशों तो कैनेडियन नागरिकता की मांग में 30% की कमी आई है। कैनेडियन नागरिकता की मांग पूर्वी यूरोपीयन देशों में 29% और मध्य अमरीका के लोगों में 28.2% घटी है। इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा ने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट यानी SOWP लई योग्यता विच तब्दीलियां बारे वेरवे जारी कर दिते ने। जिक्र योग है कि 22 जनवरी 2024 नूं विभाग ने कैनेडा दे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी प्रोग्राम विच कई बदलाव कीते सन। उन्हां विचों IRCC ने कहा सी कि 19 मार्च तो अंडर ग्रैजुएट अते कॉलेज प्रोग्रामां विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के जीवन साथी हुण SOWPs लई योग नहीं होणगे। अज अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के भाईवाल अते जीवन साथी केवल ता ही SOWP लई योग हुंदे ने जेकर उन्हां दा स्पोंसर कैनेडा विच किसी यूनिवर्सिटी ज पॉलीटेक्निक संस्था विच मास्टर ज डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम विच दाखल है। उधर दूजे पासे अंडर ग्रैजुएट विद्यार्थियों के जीवन साथी ज भाईवाना लई कुछ रोकां ने, पर तुहानू दस दईए कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के जीवन साथी अते भाईवाल जो अपने आप नूं हुण SOWP लई योग नहीं समझते ने किसी होर किस्म के वर्क परमिट या विजिटर वीज़ा लई अर्जी दे सकते हैं। हालांकि विजिटर वजो कैनेडा आने वालों नूं कम करन दी इजाजत नहीं है। जिक्र योग है कि 28 फरवरी नूं सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन की स्थाई कमेटी नूं एक टिप्पणी विच इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा सी कि वह मास्टर्स अते PhD के विद्यार्थियों के साथियों अते जीवन साथियों तक SOWPs नूं सीमित कर रहे हैं ताकि एक वॉल्यूम चुनौतियों पर हमला किया जा सके, जिस नाल असीं विश्वास करते हैं कि वह खेतर सी जिसका शोषण किया जा रहा सी अते वह जायज़ नहीं सी। कैनेडा विच कौमांतरी विद्यार्थियों नूं लैके हैरानीजनक खुलासा होया है। खुलासे मुताबक वड्डी गिणती विच कौमांतरी विद्यार्थियों वल्लों रिफ्यूजी शरण लई अर्जियां दित्तियां जा रहियां ने। पिछले लंबे अरसे तो कैनेडा पंजाबी विद्यार्थियों की पहली पसंद बनिया होया है, जिस दे चलदियां बहुत सारे नौजवानों वल्लों कैनेडा जाने लई सीधे जां असिधे हर तरह के तरीके वरते जा रहे हैं। मौजूदा समय वड्डी गिणती च विद्यार्थियों वल्लों भारत विच खतरा होण दी गल आख के रिफ्यूजी दा दावा करके शरण मंगी जा रही है। अजिहा दावा करन वाले कौमांतरी विद्यार्थियों की गिणती विच 4.5 गुणा वाधा देखने को मिल रहा है। वाटरलू रीजन रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट मुताबक इकले कॉन्सटोगा कॉलेज में अजिहे दावे 4.5 गुणा वध गए ने। साल 2022 विच 106 विद्यार्थियों वालों अजिहे दावे किए गए सी, पर साल 2023 विच वध के इन्हां दी गिणती 450 हो गई है। दरअसल कैनेडा विच जेकर कोई संस्था कैनेडियन कौमांतरी सिक्ख्या प्रोग्राम का प्रतीक रही है तो वह किचनर विच कॉन्सटोगा कॉलेज है, जो टोरंटो तो करीब 100 किलोमीटर दूर पच्छम विच पैंदा है। इत्थे पिछले 3 सालों विच कौमांतरी विद्यार्थियों की नामजदगी विच सब तो तेजी नाल वाधा देखा गया है। साल 2021 विच इत्थे 13,000 विद्यार्थी नामजद सन, जिन्हां की गिणती साल 2023 विच वध के 30,000 तो भी उपर पहुँच गई। ये रिकॉर्ड गिणती कैनेडा के किसी भी होर कॉलेज नूं पिछे छड़दियां कैनेडा लई $1 करोड़ लैके आई, पर हुण सरकार वालों कौमांतरी सिक्ख्या प्रोग्राम ते नकेल कसन दे नाल होर कॉलेजां ने कॉन्सटोगा कॉलेज ते उंगलां उठाणियां शुरू कर दित्तियां ने। मौजूदा समय बेशक कैनेडा के बहुत सारे कॉलेज काफ़ी घबराए हुए ने, पर वो पीड़ित नहीं। पीड़ित तो सिर्फ कौमांतरी विद्यार्थी ने जिहड़े $1,000 खर्च के कैनेडा विच इस उम्मीद नाल आए ने कि उन्हां नूं इत्थे स्थाई निवास मिल जाएगा, पर उन्हां दा यह सुपना जल्दी पूरा हुंदा नहीं जापदा। भावें कि कैनेडा पहलां तो किते ज़्यादा गैर प्रवासियों नूं स्वीकार कर रहा है, पर कैनेडियन सिस्टम आण वाले विद्यार्थियों की गिणती नाल तालमेल नहीं बिठा पा रहा। जिहो जिही स्थिति मौजूदा समय बनी हुई है उस मुताबक हर 10 कौमांतरी विद्यार्थियों विचों सिर्फ 3 नूं ही स्थाई निवास मिलन की संभावना जताई जा रही है, जिस करके कुछ विद्यार्थी निराशा भरे कदम भी उठा रहे हैं। यकीनन तौर पर रिफ्यूजी शरण लैण का दावा करना आखिरी यतन होगा। कुछ विद्यार्थी अर्जियों में यह कह रहे हैं कि भारत में उन्होंने गैंगस्टरों तो खतरा है, जबकि कुछ कह रहे हैं कोई गैंगस्टर उन्होंने नाल पढ़ता सी, पुलिस उन्होंने परेशान कर रही है। इस तो इलावा एजेंटा वालों भी अजिहियां कहानियां तैयार कीतियां जा रही ने जो असल लगन अते गोरिया नूं प्रभावित किया जा सके, क्योंकि जिस दी अर्जी मंजूर हो गई उस दियां पौं बारा हो जाणगियां अते जिस दी अर्जी ना मंजूर हो गई उस नूं गो बैक होना पवेगा अते फिर कदे मुड़ कैनेडा दा मूँह नहीं देख सकेगा। कैनेडा विच भारत वल्लों रिफ्यूजी शरण लैण दे दावे लगातार वध रहे ने,
साल 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ना सिर्फ जगमीत सिंह की अगवाई वाली एनडीपी ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी का साथ दिता सगो ब्लॉक क्यूबिक भी मते दे विरुद्ध भुगती हाउस ऑफ कॉमन्स विच पूरा दिन कार्बन टैक्स ते बहस हुई अते कई एमपीज ने क्लाइमेट पॉलिसी नाल नाराजगी जाहिर करदिया दावा किया कि मसला सियासी रूप इख्तियार कर चुका है पीरे पोलीवरे ने संसद भंग करन अते चोणां दा ऐलान किए जाने ते जोर दिंदिया कहा कि 8 साल बाद एक गल बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि एनडीपी अते लिबरल पार्टी दा प्रधानमंत्री किसे काम दा नहीं रहा जबकि मुल्क विच अपराध वध रहे ने हुण कैनेडियन लोग इस प्रधानमंत्री कारण होर दुख भोगना नहीं चाहते इत्थे दसना बनता है कि विरोधी धिर दे आगू ने टोरोंटो की बे स्ट्रीट विखे एक फंड रेजिंग समागम में शामिल होना सी इस करके बेभरोसगी मते ते वोटिंग तो पहला ही वह सदन विचों निकल गए और वर्चुअल तरीके नाल अपनी वोट पाई उधर दूजे पासे एनडीपी दे एमपी चार्ली एंग्स ने पोलीवरे की गैरहाजरी से सवाल उठाया ते क्या कि अपने एमपीज नू भारी भरकम कम सौंप के पोलीवरे बाहर चले गए तुहानू दस दईए कि लिबरल पार्टी दे हक विच 204 अते बेभरोसगी मते दे हक विच 116 वोटां पईआं आरसीएमपी ने फैडरल सरकार नू चेतावनी दित्ती है कि माड़े आर्थिक हालात कदे खत्म ना होण दा झोरा कैनेडा वासियां नू बगावत करन लई मजबूर कर सकदा है अते मुल्क विच घरेलू युद्ध छिड़ सकदा है नैशनल पोस्ट वालों प्रकाशित रिपोर्ट मुताबक पुलिस का मनना है कि आंदे 5 साल दौरान हालात बदतर हो सकते हैं पुलिस की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि भविख के रिसेशन दौरान रहन सहन का पद्धर तेजी नाल हेठा जाएगा मिसाल वजो 35 साल तो घट उम्र के कैनेडियन अपने वास्ते घर खरीदन के समर्थ नहीं हो गए रिपोर्ट नू बेहद खुफिया करार देंदिया सिर्फ आरसीएमपी फैडरल सरकार के सिखरले नुमाइंदा तक सीमित रख्या गया पर ब्रिटिश कोलंबिया दी थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी विच कानून दे सहायक प्रोफेसर मैट मैलोन वालों सूचना दे अधिकार कानून तहत रिपोर्ट हासिल करदियां ही इस नूं जनतक कर दिता गया खुफिया रिपोर्ट विच विदेशां विचले हालात अते इन्हां दे कैनेडा उपर पैण वाले असर दा भी जिक्र किया गया आरसीएमपी दा मनना है कि भविख विच सिर्फ रहन सहन दे हालात विच निगार नहीं आवेगा सगो खराब मौसम अते जंगला दी अग ते हड़ां वर्गियां कुदरती आफतां बेहद वध जाणगियां रिपोर्ट दा एक होर अहम पक्ष कैनेडा वासियां तक पुज्जण वाली गुमराहकुन जानकारी नूं मन्निया गया जिस राही लोकतंत्री संस्थावां ते बेवसाई वधेगी कैनेडियन चोणां विच विदेशी दखल रोकण एडवांस वोटिंग दे दिन वधाउण अते लोकां नूं मुल्क दे किसे भी हिस्से विचों अपनी राइडिंग विच वोट पाउण दी सहूलत दिंदा बिल हाउस आफ कॉमन्स विच पेश कर दिता गया लोकतंत्री संस्थावां बारे मंत्री डोमिनिक लिबलैंक ने दस्या कि इलैक्शन एक्ट राही जिथे एडवांस वोटिंग लई 2 दिन वध मिलणगे उथे ही कैनेडियन चोण प्रक्रिया नूं विदेशी दखल तो मुक्त रख्या जा सकेगा जगमीत सिंह की अगवाई वाली एनडीपी नाल सलाह मशवरा करके लियांदे गए चोण सुधार बिल राही लोंग टर्म केयर होम्स विच रहिंदे बजुर्गां नूं वोट पाउण लई बाहर जाण दी जरूरत नहीं पवेगी अते डाक राही वोट पाउण दी प्रक्रिया विच वी होर सुधार कीता जा रिहा है डोमिनिक लिबलैंक जिन्हां कोल लोक सुरक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी भी है उन्होंने कहा कि एनडीपी के सुझावों को बिल में शामिल किया गया लिबलैंक नाल इस मौके एनडीपी के एमपी डैनियल ब्लैकी भी मौजूद सन जो पार्लीमेंट हिल विखे अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होए वो जल्द ही मैनीटोबा के प्रीमियर की जिम्मेवारी संभालन जा रहे हैं डैनियल ने कहा कि कैनेडियंस लई अपने काम अते परिवार दरमियान संतुलन कायम करना मुश्किल हो रहा है अते अजिहे विच पोलिंग स्टेशन उन्हां दी सहूलत मुताबक होने चाहिए ने इसे करके एडवांस वोटिंग दे दिन वधाए जा रहे ने अते जिथों मर्जी वोट पाउण दी सहूलत भी दित्ती जा रही है उधर लिबलैंक का कहना सी कि फैडरल चोणां दौरान यकीनी बनाया जाएगा कि वोटां शनिवार एतवार अते सोमवार तीनों दिन पैण ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस समय मंदी की लपेट विच ने जापान इस तो थोड़ा बच गया पर हुण कैनेडा दे मंदी विच फसण दा खतरा है देश विच दिवालियापन लई अर्जी देण वालियां कंपनियां दी गिनती विच तेजी नाल वाधा होया है इकल्ले जनवरी विच 800 तो वध कंपनियां ने दिवालियापन लई अर्जी दायर कीती सी इस तो पहला 2023 विच देश विच दिवालियापन फाइलिंग विच लगभग 40% दा वाधा होया सी दिवालियापन लई अर्जी देण वालियां कंपनियां दी गिनती 13 सालां विच सब तो वध है
ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $45,000 ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 33% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 0.3% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 1.2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 'ਚ 1.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟਰੰਪ, ਐਰਿਕ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ $355 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ $454 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ 7 Springs ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। 7 Springs ਅਸਟੇਟ ਲਗਭਗ 230 acres ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 1919 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ $1996 ਵਿੱਚ $7.5 million ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 75,000 square feet ਦਾ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਹ 1922 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $1 ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ $1 ਦੀ ਕੀਮਤ ₹84 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1970 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਖਾਲੀ ਘਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 1,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $1 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਕੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ NGO ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ $1,000 ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ NGO ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ $3,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ $1 ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ NSW 'ਚ ਸਿਰਫ 300 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ $1 ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਜਨਸ਼ੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਘਟਿਆ ਕਰੇਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ।
स्पाउस ओपन वर्क परमिटां लई वड्डा फेरबदल वर्क परमिट जां विजिटर वीजा लई अर्जी दे सकदे ने लोक अते कौमांतरी विद्यार्थियों नूं लैके हैरानीजनक खुलासा विद्यार्थियों वल्लों भारत विच खतरा होण दी आखी गई गल इस नाल ही कैनेडा वीकली बुलेटिन इत्थे ही खत्म हुंदा है मैनूं रचना सेवक नूं दे दिओ इजाजत तुसीं वेखदे रहो टीवी पंजाब